बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जेडीसी ने जिस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था कि हमें कराची के एक एक इलाके में फ्री डायलिसिस सेंटर बनाना है ताकि किसी भी मरीज को 10 घंटे 12 घंटे की वेटिंग ना करनी पड़ेगी किसी सरकारी अस्पताल के बाहर, और 2 घंटे का डायलिसिस नहीं 4 घंटे का डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस का मरीज क्यों 1.5 साल में 2 साल में मर जाए भाई, 4 घंटे का डायलिसिस कराओ। जब दुनिया में गुर्दे के मरीज 30 साल जिंदा रहते हैं तो आप भी जिंदा रहे। हमें लियारी में जगह चाहिए थी, हमने सरदार नबील कबूल साहब से रब्ता किया था, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई, जगह अरेंज करवाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। बेहतरीन किस्म के एसी, चिलर, डायलिसिस मशीनें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, लग गई हैं, सब कुछ हो गया, इंशाल्लाह 2-4 दिन में हमारा फतह हो जाएगा। मैं जनाब सरदार नबील कबूल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा सर कि आपकी काविशों से जिस तरह सरजानी टाउन, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, समनाबाद, 5 स्टार चौरंगी, मलीर में शुरू होने जा रहे हैं, जहां 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 डायलिसिस जेडीसी की फ्री में चल रहे, अब लियारी के लोग भी फ्री में डायलिसिस कराएंगे, तो उस पर आपका शुक्रिया। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर लोगों को प्लीज? देखिए, मैं आज इतवार का दिन है और आज मैं आया हूं इसीलिए खास तौर पर जफर भाई के पास, जफर अब्बास साहब के पास, जेडीसी में इनके दफ्तर में बैठकर इनका शुक्रिया अदा करने, क्योंकि आज से 6 महीने पहले मैं यहां आया था और मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि चूंकि ये हर इलाके में डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं तो मैंने कहा था कि लियारी में भी एक खोलें, और 6 महीने की जो है मेहनत और भागदौड़, आपको पता है ये कोई मामूली काम नहीं है, एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि आप इंसान की खिदमत, एक बीमार शख्स जो डायलिसिस कराता है वो दिन में मैं समझता हूं कि एक डायलिसिस का 15,000 रुपये देता है जो कि गरीब नहीं दे सकता है, तो ऐसे सूरत हाल में मुफ्त इलाज जो है जेडीसी की तरफ, महीने का 2 लाख रुपए देना फैमिली, महीने का 2 लाख, मैं समझता हूं कि ये महीने का 3,000 पेशेंट इसमें, 600 मरीज महीने का, तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ काम है जो कि आपने जफर भाई करके दिया है। आपने जगह की अच्छी जगह दिलवाई, उस पर आपका शुक्रिया। हर मरीज पहुंच सकेगा और जो मरीज नहीं आ सकते किसी मुश्किल में, उनको फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी देंगे। ये मैं लियारी के आवाम को बताना चाहता हूँ कि मेरा पीर हॉस्पिटल में जो है बिल्कुल बगदादी थाने के सामने ये हॉस्पिटल है जो कि डीएमसी साउथ के अंडर आता है, वहां पर खोला है डायलिसिस सेंटर, 2-3 दिन में इफ्तिता हो जाएगा और जिस मरीज को डायलिसिस करवाने वहां पर पहुंचे, फ्री डायलिसिस होगा जेडीसी के ताउन से। और खासकर मैं आज इस सिलसिले में भी आया हूं जफर अब्बास साहब के पास कि जो इन्होंने एक वो काम किया कि मतलब यानी आप देखें तो आपको यकीन नहीं आता है कि इतनी बड़ी तादाद में इस सैलाब जदगान की मदद करना, इतना बड़ा राशन, मैं समझता हूं कि एशिया में सबसे बड़ा जो है किरदार राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सैलाब में, वो किसी ने नहीं किया होगा जो मैंने देखा है। ये खुद इन्होंने मुझे वीडियोस दिखाए, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कारनामा जफर अब्बास साहब का। आज बल्कि मैं इधर आया चूंकि मेरे अपने कौम जो है गबोल कबीले की, और इसके अलावा जो हमारे लोग जो मुतासरीन हैं जो सिंध के अंदर, वो पूरे सिंध के अंदर है, तो एक ऐसा इलाका है रह गया था जिनके लिए मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट की, वो है डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के अंदर कोहिस्तान का इलाका, तालुका थाना बुला खान, टिक्को बारान, करचात, केजी, टोंग, ये इलाके जो कोहिस्तान के हैं और भी इलाके, इनमें ये सारे इलाके जो है वहां पे, वहां के लोग जो है इस वक्त बेयार मददगार बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, घर उनके गिर गए हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है। कल से लेकर आज तक अभी तक 24 घंटे में 6 बच्चे जो है वो हलाक हुए हैं मलेरिया और डेंगू की वजह से, तो जफर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने जो है वहां पर भी राशन भेजने का और टेंट भेजने का जो है फौरी तौर पर जो है अपने इदारे को कह दिया है और इंशाल्लाह जल्द पहुंच जाएगा। जफर भाई आपकी बहुत मेहरबानी, आपने सपोर्ट किया हमें डायलिसिस में भी, यकीन करें हम तो देख रहे हैं लियारी के अंदर एक ऑक्सीजन एम्बुलेंस ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, और इंशाल्लाह आगे भी इस काम को जारी रखेंगे, और जो हम वहाँ फ्री दस्तरखान खोल रहे हैं जो आपने जगह दिलाई थी, इंशाल्लाह जल्द वो भी शुरू हो जाएगा। एक बार फिर आपका भी शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, और मैं देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा इन वीडियोस को जरूर शेयर किया गया, डायलिसिस सेंटर्स खुल रहे हैं, इसके एक एक सेंटर का महीने का खर्चा अब डॉलर बढ़ने के बाद 30-30 लाख रुपए चला गया, अगर आप अपनी जानब से अपने मरूमिन की जानब से एक मरीज की भी डायलिसिस की जिम्मेदारी ले लेंगे तो इसका आपको बहुत सवाब मिलेगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।